नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आवारा कुत्तों का आतंक जम्मू में इस कदर फैला हुआ है कि लोगों का घरों से बाहर निकला, खासकर शाम के वक्त, दुष्भर हो गया है। आप देखते होंगे कि जब अंधेरा जैसे जैसे ढलना शुरू होता है, वैसे ही कुत्तों का जो झुंड है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और इस कदर ये कुत्ते, आवारा कुत्ते, इस कदर खतरनाक हो गए हैं कि ये लोगों पर अब हमला करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और जेएमसी प्रशासन जो है वो सोया हुआ है, इतनी गहरी नींद सोया है कि उसे पता ही नहीं चला कि रिहाड़ी में इन आवारा कुत्तों ने एक छोटे से मासूम बच्चे पर हमला कर दिया और उसे नोच नोच कर मार डाला। हालांकि उस घायल बच्चे को जीएमसी में दाखिल किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब सोचिए, इन कुत्तों का आतंक इस कदर फैला हुआ है, ये कुत्ते इतने खतरनाक हो गए हैं कि अब ये बच्चों को छीन कर, यानी कि वो मासूम बच्चा वहां पर था, उसके माँ बाप दिहाड़ी लगा रहे थे, कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहां पर काम कर रहे थे, इतने में ये एक कुत्ता आता है और उस बच्चे को खींच कर ले जाता है। और जब तक वहां पर मौजूद लोग उस मासूम बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, तब तक ये खूंखार कुत्ता जो है वो उस बच्चे को, 3 साल बच्चे को, इतना घायल कर देता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है और डॉक्टर जो है उसकी जान नहीं बचा सके। इन कुत्तों ने जो आतंक फैलाया है, इस आतंक पर सब खामोश हैं। जेएमसी जो है वो कितने दावे करता है, अखबार के मुताबिक अगर हम बात करें, अखबार में जो खबर छपी है कि वो कह रहे हैं कि हमने 70% इन कुत्तों की नसबंदी कर दी है। तो भैया, अगर आपने नसबंदी कर दी है, लेकिन आप उनकी तादाद, चलिए आपने कम कर दी, तादाद नहीं बढ़ रही है, लेकिन उनके बिहेवियर को कौन चेक करेगा? आपने जो यहां पर बनाए हुए हैं उनके हॉस्पिटल, वो जब आप उनको पकड़कर लेकर जाते हैं तो डॉक्टर क्या देखते हैं उन कुत्तों में, कि क्या ये कहीं खूंखार तो नहीं हो गया, कहीं ये कुत्ता पागल तो नहीं है, उसका क्या करते हो आप? और एनजीओ जो है वो कहां है? और हमारे अदालतों का भी बड़ा जबरदस्त यहां पर ये है कि जो फैसले देते हैं कि भैया कुत्तों को कोई हाथ ना लगाए, और एनजीओ फटाफट कुत्तों के फेवर में आ जाते हैं। अगर किसी कुत्ते ने मुझ पर हमला किया, मैंने उसको लठ मार दी और उसका किसी ने वीडियो बना दिया, तो ये एनजीओ कोर्ट में चले जाते हैं कि जनाब देखिए कुत्ते को मार रहा है, और उसकी सजा फिर आम लोगों को भुगतनी पड़ती है। ये तो कानून है यहाँ के, और ये जो एनजीओ वाले हैं ये क्या कर रहे हैं, कहाँ है आज ये जो डॉग लवर्स हैं? जब ये कुत्ते, खूंखार कुत्ते, किसी को काटते हैं, हमला करते हैं, जब इनको मारा जाता है डंडे से या इनको फटकार पत्थर से कोई मारता है, तो यही रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं ये डॉग लवर्स। ये एनजीओ तो मैं कह रहा हूं एक रुदाली मातम शुरू कर देते हैं ये लोग, लेकिन कल जिस तरह से उस मासूम बच्चे की जान गई, एक भी बोलने को तैयार नहीं है। ये बताइए, अगर कोई खूंखार कुत्ता हो जाता है उसका क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है एनजीओ को आना चाहिए बाहर और उसको पुचकार के अपने घर ले जाना चाहिए। वो डॉग लवर्स जो है वो बाहर आए और इन जो खूंखार कुत्ते हैं इनको प्यार करिए, पुचकारिए और अपने घर ले जाइए। ये तो हालत है यहां पर, और इन कुत्तों की बढ़ती आबादी और इन कुत्तों का खूंखार होना किसी के काबू में नहीं आ रहा। जेएमसी जो है सोया हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन किस पे खर्च किए ये पता नहीं चला, और जेएमसी सोया। आप देखिए, आप अपने मोहल्ले में देखिए, और ये खबर आपके लिए है, आपके घरों में जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको छोड़िए, आपके लिए भी ये खबर है कि अगर आप शाम को सैर करने निकलते हैं घर से बाहर, गलियों में जाते हैं, थोड़ा ध्यान से जाइएगा, क्योंकि कुत्ते जो है उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि कब आप पर हमला कर दे कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। ये डॉग लवर्स जो है ये उस वक्त बाहर आते हैं जब कोई अपने बचाव के लिए कुत्ते को मारता है या उसे भगाता है, तो आ जाते हैं जी कोर्ट में केस करने के लिए।
रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि इस इंसान ने उस कुत्ते को मारा जी, उसको टांग मार दी, उसको लठ मार दी, उस पर बड़ा अत्याचार हो गया। ये तो सोसाइटी है आज चल रही है कि जानवरों से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि इंसानों की वो जानवर जान ले ले, लेकिन उस जानवर के खिलाफ कुछ ना बोलो, उस जानवर के खिलाफ एक्शन ना लो, आप उस जानवर को आप बांध के ना रखो। तो अब जेएमसी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है ये, आप बैठ के कर रहे हैं, आप फैसले कौन से ले रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जम्मू में डेंगू के इतने मामले आ गए और कितने लोगों की जान चली गई, मजाल है कि किसी वार्ड में, मैं खुद की बात कर रहा हूं, 22 नंबर वार्ड है हमारा, मैंने नहीं देखा कि वहां पर इस जेएमसी के जो कॉरपोरेटर है हमारे, जो पार्षद है, वो आए होंगे, उन्होंने कोई वहां पे स्प्रे वगैरह फॉगिंग वगैरह की होगी, मैंने नहीं देखा। नाली एक गंद पड़ा हुआ है, सोए हुए हैं सबके सब, सिर्फ तनख्वाह लेनी है, बैठकें करनी है, भाषण देना है, उत्कृष्ट नेतृत्व देना है और बस हमने सुधारना है, एक्शन कोई नहीं लेना। और कुत्तों के बारे में कुछ, और उस मासूम बच्चे की जिस तरह से जान गई है, अब तो संजीदा हो जाइए सबके सब। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।